केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कोरोना महामारी को लेकर पिज्जा और बर्गर खाने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया है। राव इंद्रजीत गुरुग्राम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म एस्केलेटर व फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर राव इंद्रजीत ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की मार मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा बर्गर खाकर मोटे फफस लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ी है, जबकि हरियाणा के दाल चावल या दाल भात खाने वालों पर इसकी मार नहीं पड़ी और इन्हें शायद वैक्सीन की भी जरूरत न पड़े। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने बड़ी दिक्कतों से गुजरा, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि कोविड की मार कम हो गई है। कुछ प्रयत्न सरकार की तरफ से हुए, कुछ प्रयत्न लोगों की तरफ से भी हुए, जो आज भी यहाँ पर कोविड को हराने के लिए अपने चेहरों के ऊपर मास्क लगा करके बैठे हुए हैं। और इन परिश्रमों के अंदर जो हमारे फोर्थ स्टेट पत्रकार बंधु, इन्होंने भी जो सहयोग दिया कि क्या कहां पर हो रहा है, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो सबसे ज्यादा लाभदायक हमने महसूस किया कि अमेरिका के अंदर मैकडॉनल्ड खा करके मोटे माच जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वो हमारे भी शुरू हो गया। जो खा खा करके ये नकली खाना मोटे फप्पस हो गए, उन लोगों के तो मारी मार जोर की पड़ी। और हमारे यहाँ पर जो सादा खाना खाया करते थे, दाल रोटी का, दाल भात का, हमारे यहाँ संक्रमण कम हुआ। हरियाणा के देहात के अंदर संक्रमण कम हुआ और आज के दिन ये स्थिति है कि ये घटता जा रहा है। और शायद जो वैक्सीन इतने खर्चों के बाद उपस्थित हुई है विश्व के सामने, इसका शायद उपयोग जिस तरह से हम सोच रहे थे ना भी करना। राव इंद्रजीत के इस बयान पर सियासी गलियारों में कैसी हलचल पैदा होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पिज्जा बर्गर खाने वालों पर इस तरह का तंज कसना चर्चा का विषय जरूर बनने वाला है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने आज करीब 14 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें पटौदी का रेल अंडरपास भी शामिल है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।